फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी सा स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे थ्रेड एंड चिकन कहते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल लगते हैं। तो चलो बढ़ते हैं हम इसकी रेसिपी के लिए। तो हमने यहाँ पे ब्रोनलेस चिकन ले लिया है, इसे इस तरीके से कट करेंगे। फिर हमने कर्ड, जिंजर का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और नमक ले लिया है और थोड़ा काले मिर्च का पाउडर इस तरीके से मिला लेंगे और हमने जो चिकन काट के रखे थे उसमें अच्छे से इस तरीके से कोट कर देंगे। फिर यहाँ पर मैंने समोसे के पट्टे लिया है, जिसे इस तरीके से हम पतला पतला स्ट्रिंग्स में कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड इसे हम बटर पेपर में रैप करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि हवा ना लगे, हवा लगेगा तो ये कड़क हो जाएगा। फिर हमने मैदा लिया है, जिसमें लाल मिर्च या नमक डाल के पानी से अच्छे से पेस्ट बना लिया है कोटिंग के लिए। अब हम कोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चिकन को मैदे में इस तरीके से डिप करेंगे, उसके बाद हमने जो समोसे की पट्टी का इस तरीके से कट किया था उसमें डालेंगे। अब इसे इंस्टेंटली फ्राई कर लेंगे, बहुत ही आसान है बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप फ्राई कर लीजिए, थोड़ा हाई फ्लेम पर रखने के बाद आप लो फ्लेम पर कर दीजिए ताकि चिकन जो है वो अंदर से कुक हो जाए, फिर वापस से हाई फ्लेम पर करके गोल्डन ब्राउन होने तक निकाल लीजिए। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से चिकन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से गल जाती है, बहुत ही ज़्यादा जूसी है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम।